तो आज इंडियन मिक्स टाइमिंग 30 में फाइट होने वाला है चकी डॉल और एसीपी 35 के बीच। तो क्या एसीपी 35 अपने शक्तियों से चकी डॉल को अपने बस में करके मार पाएगा या फिर नहीं, चलिए जानते हैं। तो आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। अरे ये क्या हुआ, चकी डॉल ने हगी वगी को भी मार दिया, मतलब कि चकी डॉल हमारी सिटी में काफी ज्यादा तबाही मचाने वाला है। बट एक सेकंड भाई, मेरे फोन में क्या है, रुको यार देखते हैं। एक सेकंड, ये रंग बिरंगे रैम के ऊपर बटन है भाई, ये बटन किस लिए है यार, इसको दबाने से कहीं चक्की डॉल मर जाए क्या? हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चक्की डॉल तो अचानक से ही आया है ना, मतलब कि यार डॉल तो हमारे सिटी में अचानक से ही आया और उसके बाद ये बन गया है भूतिया डॉल, मतलब भूतिया डॉल पहले से ही था। पता नहीं यार मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, फटाफट चलते हैं उस रैम के ऊपर एंड जाकर के फटाफट से उस वाले बटन को दबाते हैं जिससे चक्की डॉल हमारे सिटी से चला जाएगा। होके तो यार वो सामने ही रहा रैम, लेकिन यार मैं इस चार चक्के गाड़ी से जा रहा हूँ यार, मैं अपनी गाड़ी से इसके ऊपर चला जाऊंगा क्या यार, मेरे को तो नहीं लग रहा है, बट प्रयास करने में क्या गया, चलो फटाफट चलते हैं। लेकिन ये क्या हुआ यार, मैं काफी ज्यादा ऊपर आया क्या, हाँ मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, बट देखते हैं। परफेक्ट लैंडिंग तो नहीं हो पाई, शायद से स्टार्टिंग ही गलत हो चुकी थी, फिर को देखते हैं इस बार शायद से मैं इधर से मुड़ के जाता हूँ। ओके शायद से सही रहा, बट एक सेकंड यहाँ पे रैम था क्या यार, यहाँ पे अटक चुका है, साथ ही मैं उतर जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बटन भी है, तो चलिए फटाफट से इसको दबा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मैंने क्लिक किया एंड चक्की डॉल के पास आ गया। एक सेकंड, 6 घंटे के लिए चक्की डॉल गायब हो गया, पर से गाड़ी को नीचे लेकर जाते हैं, लेकिन यार मेरा पैर फिसल गया और मैं भी नीचे आ गया यार, मैं क्या बोलूं, शायद से हम मेरा गाड़ी ऊपर ही अटका रहेगा। हाँ यार मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है यार, ये गाड़ी तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसको निकालने के चक्कर में मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, फटाफट से चलते हैं और देखते हैं क्या उपाय मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट सेकंड मेरे फोन में क्या आया, चक्की डॉल एक श्रापी डॉल है जिसे श्रापी डॉल से ही मारा जा सकता है, मतलब कि यार इस चक्की डॉल को मारने के लिए मेरे को कोई श्रापी डॉल ढूंढना होगा यार, मैं कौन सा श्रापी डॉल ढूंढूं, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है यार, श्रापी डॉल कोई तो होगा। एक सेकंड, एक बाबा का नाम याद है जो कि श्रापी डॉल सभी चीजों को जानते हैं, रुको यार मैं अपनी गाड़ी को लेकर के चलता हूँ उन्हीं के पास, एंड साथ ही उन्हीं से पूछ लेते हैं किसी न किसी श्रापी डॉल के बारे में वो जान ही रहे होंगे। ओके यार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, एंड साथ ही वो रहते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर, पता नहीं यार बिना खाए पिए वो कैसे जिंदा रहते हैं, चलो यार वो कुछ भी है तो यार तांत्रिक बाबा है, वो कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे को वहाँ पे जाने के लिए बिना गिरे ही जाना होगा, अगर मैं गिर जाऊंगा तो यार मेरा हड्डी पसली भी टूट सकता है, और ऊपर से टाइम वेस्ट हो वैसे ही, छोड़ो यार फटाफट से ऊपर चलते हैं। यार देखो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है उसी के ऊपर रहते हैं, चलो यार फटाफट से चलते हैं, बस थोड़ा और आगे जाना है, लेकिन यार यहाँ पे टर्निंग है, मैं नीचे ना गिर जाऊँ, चलो यहाँ तक तो सबसे हो रहा है, बस थोड़ा सा और आगे आना है। एंड वेट भाई, मैं ज्यादा आगे क्या, नहीं चलो परफेक्ट लैंडिंग हो चुकी है, एंड साथ ही देखते हैं बाबा है कहाँ पे। ओके तो बाबा मिल चुके हैं, बाबा आपको किसी श्रापित डॉल के बारे में पता है क्या? श्रापित डॉल तो नहीं बच्चे, लेकिन श्रापित मार्क्स के बारे में पता है, श्रापित डॉल को भी अपने कब्जे में कर सकता है, मतलब बाबा वो चक्की डॉल को भी अपने बस में कर लेगा। हाँ बच्चे, चक्की डॉल तो क्या, उसके जैसे 10-10 भी आ जाएंगे उसको भी अपने बस में कर लेगा। ठीक है तो बाबा वो श्रापित मार्क्स मिलेगा कहाँ पे? वो मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए तुम्हें 3-3 चाबियां ढूंढने पड़ेंगे, वो तीनों चाबियां होंगे एक ही दरवाजे के, जिस दरवाजे के पीछे है वो मार्क्स, पहला चाबी इस वाले बिल्डिंग के ऊपर है, और सभी चाबियों का लोकेशन तुम्हारे फोन पे मिलता रहेगा। ठीक है तो बाबा मैं जा रहा हूँ चाबियों को ढूंढने के लिए, चलो यार फटाफट चलते हैं सबसे पहले चाबियों को ढूंढने के लिए, क्योंकि यार मेरे पास केवल और केवल 5 घंटे बचे हैं, क्योंकि यार ये घंटे मेरा ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन एक सेकंड भाई साहब, मैं नीचे जाने से बच गया यार, अगर सामने वो खंबा टाइप का नहीं होता तो मैं नीचे ही चला जाता, लेकिन एक सेकंड मैं सामने को नहीं जा पा रहा हूँ। ओके ओके मैं आ गया, थोड़ा सा अटक रहा था, बट एक सेकंड भाई साहब मैं गिरते गिरते बच रहा हूँ यार, चलो कोई ना फटाफट से जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है उसके ऊपर चला है भाई। एक सेकंड यार मैं कैसे गिरते गिरते बच रहा हूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं तो सीधा नीचे ही गिर जाता, चलो ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस थोड़ा सा और आगे एंड इधर से घुमाते घुमाते बस थोड़ा सा ऊपर जाना है, और वहां जाने के बाद मेरे को मिल जाएगा एक चाबी, चलो फटाफट से यहाँ तक आ चुका है, एंड साथ ही ये एक जंप यहाँ से लेना है। ओके ओके सर मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, बट अटक क्यों रहा है यार, गाड़ी ऊपर चला जा। ओके ओके चलो यार उतर करके देखते हैं, चाबियां तो है ना। ऑल राइट यार, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे को मिल चुका है एक चाबी, जो कि इस तरह से ओके देर मैं आ चुका हूँ, एंड साथ ही यहाँ से एक जंप लेना है, एंड साथ ही मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ओके चल यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, एंड साथ ही थोड़ा सा आगे जाना है, और आगे जाने के बाद बाइक को खड़ा कर करके मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा, चलो यहाँ पे उतर जाते हैं, एंड साथ ही मेरे को ऊपर जाना होगा, और ऊपर जाने के बाद शायद से एक और चाबी मेरे को मिलने ही वाला है। ओके यार तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, एंड साथ ही मेरे को मिल चुका है दूसरा की, और ये भी वैसा ही घूम रहा है, बट कोई ना इसको भी ले लेते हैं, चलो तो इसको लेते ही यहाँ पे नाइट हो गया। फिर ये कैसी ना, मतलब 6 के 6 घंटे चले गए क्या, लेकिन अचानक से रात कैसे होता है यार, रुको भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मेरे को अपने सिटी में देखना पड़ेगा यार, चक्की डॉल मतलब कि जिंदा हो चुका है, अब तो सिटी में तबाही मचाएगा यार, लेकिन इससे पहले मेरे को एक और की ढूंढना होगा, और उसके बाद मेरे को मारना होगा, बट ये क्या होगा यार, मैं नीचे गिर गया, कोई बात नहीं यार फटाफट से देखते हैं, देखते क्या है, फटाफट चलते हैं, चल करके तीसरे की को भी फाइंड करते हैं। लेकिन एक सेकंड भाई मैंने तो लोकेशन देखा ही नहीं, और सीधा गाड़ी में बैठ गया, रुको
उतर करके पहले लोकेशन देखते हैं, उसके बाद बैठेंगे अपने गाड़ी में। ओके तो यार ये क्या क्लिक और ये क्या भाई, ये तो न्यू वाले ट्रेन के पिछले बोगी में लग रहा है। हाँ यार ये तो वहीं पे है। चलो यार फटाफट से अपने गाड़ी को लेकर के चलते हैं वहीं पे, एंड साथ ही फाइंड करते हैं तीसरे वाले की को और फाइंड करते हैं शायद से मेरे को एक दरवाजे को ओपन करने का मौका मिलेगा। चलो कोई ना, मेरे को नीचे ही आना है, फट यार मैं नीचे गिर ना जाऊं। देखते हैं यार शायद से मैं नीचे नहीं गिरा। तो चलो फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर के मैं आता हूँ सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ। लेकिन एक सेकंड, ये क्या सीन है भाई, रेलवे स्टेशन पे तो कोई भी ट्रेन ही नहीं है यार, ये कैसा लपड़ा है भाई। मैं रेलवे स्टेशन पे आया यहाँ पे ट्रेन को खोजने के लिए, कहीं यार वो ट्रेन यहाँ से निकल तो नहीं गई। हाँ यार मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, मेरे को यार देखना पड़ेगा। ओके तो यार काफी देर तक वेट करने के बाद फाइनली आ चुकी है न्यू वाली ट्रेन। चलो फटाफट से वो आ जाए यहाँ पे, एंड साथ ही मैं तीसरे की कोई फाइंड कर लूंगा। चलो आगे क्या, लेकिन यहाँ पे रुकेगी ना? हाँ शायद से रुक रही है क्या। तो चलो यार ट्रेन रुक चुकी है भाई साहब, ये तो वो नई वाली कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। बट यहाँ पे आते ही मेरे को मिल चुका है तीसरा की, ये भी बिल्कुल उन्हीं चाबी की तरह कर रहा है। बट कोई नहीं यार, मैंने इसको भी फाइंड ही कर लिया और मेरे पास हो चुका है तीन तीन की। एक सेकंड, मेरे पास फिर से कुछ नोटिफिकेशन आया। ये क्या भाई, मेरे को ये पहाड़ के ऊपर ही दरवाजा मिलने वाला है क्या? हाँ मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। और से अपने गाड़ी को लेकर के चलते हैं पहाड़ के ऊपर और वहाँ जाने के बाद देखते हैं। ओके तो यार मैं आ चुका हूँ पहाड़ी एरिया की तरफ, मतलब ऊपर ही आ चुका हूँ, बस थोड़ा और आगे जाना है। एंड वेट भाई साहब, ये रहा वो दरवाजा। चलो तो यार फटाफट से इस दरवाजे को ओपन करते हैं। भाई एक सेकंड, इसके अंदर से एक मास्क पहना हुआ आदमी आया और यार ये तो जायंट भी हो चुका है। देखते हैं इसके फाइट में कौन जीतता है, चक्की डॉल या फिर ये। ओके तो फाइट स्टार्ट होने वाली है या फिर ये बातचीत कर रहा है। यार ये क्या सीन है, ये तो बातचीत में ही चक्की डॉल को भुलवा दिया। और ये क्या, चक्की डॉल इसके बात मान रहा है क्या? यार एक सेकंड, ये क्या सीन है भाई, और ये इसके अंदर चला गया यार, मतलब ये इसको अपने बस में कर लिया। और ये क्या सीन है यार, चक्की डॉल को बस में करके इसके अंदर चला गया और इसको सीधा फाड़ दिया भाई साहब, और अभी ये हंस भी रहा है। तो यार आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।